Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear learners. I am Mia Mahmood Afzal, and as you know that we have started to discuss about what are adverbs and how many types of adverbs. In my previous both lectures, I have already discussed that what are adverbs and how many types, like adverb of manners, adverb of place, adverb of time. And today in this lecture, I am going to start to discuss about adverbs of frequency and adverbs of degree. Before it, as we have already discussed in my previous both lectures, adverbs. What are adverbs? Adverbs are all those words which enhance the meaning of a verb. Adverbs वो तमाम अल्फाज होते हैं जो verb जो काम होता है फिक्र के अंदर उसके meaning में अजाफा करते हैं, वो उसके meaning को मजीद निखार देते हैं, उनको हम adverbs कहते हैं. There are many types of adverbs like adverb of manner, adverb of place, adverb of time. These three kinds we have already discussed in my previous both lectures. So today I am going to start the next two kinds of adverbs, like adverb of frequency. Like it describe how often an action takes place. ये बताते हैं कि जो action काम हो रहा है फिक्र के अंदर, जो verb हो रहा है, जो काम हो रहा है वो कितनी बार, उसकी repetition क्या है, कितनी बार हो रहा है, how often, कब कब हो रहा है. तो ये वो तमाम अल्फाज जो ये जाहिर करें कि फिक्र के अंदर जो काम हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, कब कब हो रहा है, उसको कहेंगे adverb of frequency. Like here, away, there, twice. Examples करते हैं. I always get good marks. मैं हमेशा अच्छे नंबर लेता हूं. इन दिस सेंटेंस ऑलवेज, दिस इज द वर्ड दैट विल बी कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज एनहेंसिंग द मीनिंग ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स. ये जाहिर कर रहा है कि हम जो अच्छे नंबर लेते हैं कब लेते हैं, ये बताता है कि हम अच्छे नंबर हमेशा लेते हैं, मतलब मैं हमेशा अच्छे नंबर लेता हूं. आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स, मैं हमेशा अच्छे नंबर लेता हूं. हमेशा में जो वर्ड उर्दू में और इंग्लिश में अगर देखें ऑलवेज, ये जाहिर कर रहा है कि हम जो नंबर, मैं जो नंबर लेता हूं अच्छे लेता हूं, हमेशा लेता हूं. तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है, इसकी बार बार तरतीब को, बार बार करने को, उसको वाक्य होने को जाहिर करता है. इन द सेम वे रजा रीड्स न्यूज़पेपर डेली. रजा रोजाना अखबार पढ़ता है. इन द सेंटेंस डेली इज अ वर्ड दैट इज एनहेंसिंग द मीनिंग ऑफ रीड्स. ये बताता है कि जो पढ़ने का अमल है, पढ़ने का काम है, अखबार पढ़ने का काम है रजा का, वो कितनी बार होता है, वो एक कभी कभी होता है या रोजाना होता है. तो रोजाना ये जो वर्ड उर्दू में और इंग्लिश में डेली, ये जाहिर कर रहा है कि वो काम जो करना है, अखबार पढ़ने का अमल है, वो कितनी बार होता है, वो रोजाना करता है. तो डेली, ऑलवेज, दीज आर द वर्ड्स दैट आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच एनहेंसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ब्स लाइक गेट गुड मार्क्स, लाइक रीड्स. इन द सेम वे द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स. दीज टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग. इंटेंसिटी, शिद्दत को. ये वो तमाम अल्फाज हैं जो काम जो हो रहा है उसके काम की नौयत को, उसके काम की शिद्दत को जाहिर करते हैं कि जो काम फीस फिक्र में हो रहा है वो कितनी शिद्दत से हो रहा है, कितनी जरूरत के तहत हो रहा है. तो दीज टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ सेंटेंस ऑफ समथिंग. लाइक एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर यूजली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स. आमतौर पर जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं ये एडजेक्टिव से पहले इनको इस्तेमाल किया जाता है. कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि टू, इनफ, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, इंटायरली. ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे. एग्जाम्पल में करते हैं, द बेबी इज वेरी क्यूट. बेबी जो है, बच्चा जो है वो बहुत ही क्यूट है, वो खूबसूरत और प्यारा है. इन द सेंटेंस वेरी इज द वर्ड दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री विच शोज हाउ मच ही इज ब्यूटिफुल, हाउ मच ही इज क्यूट. वो बता रहा है कि ये क्यूट जो है कितना ज्यादा क्यूट है, कितना ज्यादा प्यारा है. इन द सेम वे आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई सक्सेस. मैं अपनी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं. इन द सेंटेंस सो इज अ वर्ड दैट इज एनहेंसिंग द मीनिंग ऑफ एक्साइटमेंट. ये जहां कर रहा है कि जो हम पुरजोश हो रहे हैं, जो मैं खुश हो रहा हूं अपनी कामयाबी को लेकर, वो कितना ज्यादा हो रहा हूं. तो ये इसकी शिद्दत को जाहिर करता है, इसकी जरूरत को जाहिर करता है. तो हमने यही पढ़ा है, वो तमाम अल्फाज जो काम करने की शिद्दत को, काम करने की जरूरत को, उसकी नौयत को जाहिर करें, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं. और वो तमाम अल्फाज जो ये जाहिर करें कि जो काम हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, उसकी रिपीट कितनी बार हो रहा है, उस कब कब हो रहा है, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो जैसे कि हियर, अवे, देयर, ट्वाइस, एक्सेट्रा. तो आज हमने यही पढ़ा है एडवर्ब्स के बारे में. एडवर्ब्स आर ऑल दोज वर्ड्स विच एनहेंसिंग आर एलैबोरेटिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स. लाइक स्विफ्टली, lightly, shortly, longly, like briskly, like bitterly, like shortly, etc. We have also discussed its different types like adverb of manners,
adverb of time, adverb of place, and today we have discussed about adverb of frequency and adverb of degree. And if you want to know that what are adverbs of place, adverb of time and adverb of manners, you can watch my previous both lectures that I have uploaded a few days earlier. So in this way, in the last three lectures, I have completely covered what are adverbs and what are its different types. Hopeful you will understand these all topics comprehensively. Inshallah, in next lecture I will come with another interesting topic. So let me leave now. Allah Hafiz.